धरती सोलर सिस्टम की ऐसे एकमात्र प्लैनेट है जिसमें लाइफ एग्जिस्ट करती है। हम लोग धरती में रहते तो है पर उसके बारे में कई फैक्ट्स नहीं जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ फैक्ट 10 और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टॉप अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट प्लैनेट अर्थ। नंबर 1, एज ऑफ द अर्थ। क्या आपको पता है धरती की एज 4.54 बिलियन ईयर्स है, मतलब कि 454 करोड़ ईयर्स। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि अर्थ की एज साइंटिस्ट ने कैलकुलेट कैसे की होगी। तो मैं आपको आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ, साइंटिस्ट ने रेडियोमेट्रिक डेटिंग टेक्निक में होता यह है कि साइंटिस्ट एक पुराने कोई पत्थर या कोई मटेरियल को टेस्ट करते हैं, जिसके हिसाब से उन्हें पता चलता है कि ये कितने साल पुराना है। जैसे कि साइंटिस्ट को मिला है एक पत्थर जो कि 4.54 बिलियन ईयर्स एगो है। फैक्ट नंबर 2, द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। वैसे तो धरती की एवरेज टेम्परेचर 16 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन अर्थ में ऐसे बहुत सारे जगह है, प्लेसेस है जिसके टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से, एवरेज टेम्परेचर से बहुत डिफर करता है। 10th जुलाई 1913 को डेथ वैली यूनाइटेड स्टेट्स में हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड की गई है, जो कि 56.7 डिग्री सेल्सियस हाईएस्ट डिग्री टेम्परेचर है। अगर लोएस्ट टेम्परेचर की बात की जाए वो है -89.2 डिग्री सेल्सियस है। जुलाई 21, 1983 को वॉस्टॉक स्टेशन रशिया में टेम्परेचर कैलकुलेट की गई थी। नंबर 3, द अर्थ वॉज बिलीव टू बी द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। पहले के साइंटिस्ट ये सोचते थे कि अर्थ एक सेंटर है और बाकी के सारे प्लैनेट्स इसके चारों ओर घूमती है। मॉडल को कहते हैं जियोसेंट्रिक मॉडल। फिर ये बंदा है निकोलस कॉपरनिकस। इस बंदे ने हेलियोसेंट्रिक मॉडल को रिसर्च किया। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल सन अर्थ के चारों ओर नहीं घूमती, बल्कि अर्थ सन के चारों ओर घूमती है। और ये तो हम जानते ही हैं, जियो मॉडल गलत है और हेलियो मॉडल राइट है। फैक्ट नंबर 4, द रोटेशन ऑफ द अर्थ ग्रेजुअली गोइंग डाउन। जी हाँ, आपने अपने कानों से सही सुना, अर्थ की रोटेशन स्पीड ग्रेजुअली स्लो होते जा रही है। अगर हम डी एक्सेलेरेशन स्पीड को देखें तो 17 मिली सेकेंड्स 100 ईयर्स की है। पर अर्थ की स्पीड कम क्यों हो रही है? क्या है ना, मून अर्थ से दूर खिसकता जा रहा है 3.78 सेंटीमीटर पर ईयर के हिसाब से, इसलिए धरती की रोटेशन स्पीड स्लो होती जा रही है। जिस तरह मून अर्थ से दूर जाता रहेगा, उसी तरह धरती की रोटेशन स्पीड स्लो होते जाएगी। 3.78 सेंटीमीटर पर ईयर, सुनने में ये तो बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा है, लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ क्योंकि ये अमेजिंग क्यों है। 454 करोड़ पहले जब ये मून नया था, तब ये मून धरती के बहुत ही करीब था। तब एक दिन में सिर्फ 6 घंटे ही होते थे, लेकिन आज जब 450 करोड़ साल बाद मून दूर खिसकता गया और धरती स्लो होती गई, और इसलिए आज दिन में सिर्फ 24 घंटे होते हैं। अगर आप फ्यूचर की बात करें, फ्यूचर में भी धरती और बहुत स्लो होती रहेगी। अगले 14 करोड़ के बाद धरती की ड्यूरेशन इतना स्लो हो जाएगी कि दिन में आपको सिर्फ 25 आवर्स हो जाएंगे। फैक्ट नंबर 5, रेवोल्यूशनरी स्पीड ऑफ द अर्थ।
हम सबको पता है अर्थ सन के चारों ओर रिवॉल्व करती है, पर आपको इसकी रिवोल्यूशनरी स्पीड क्या है पता है? इसकी रिवोल्यूशन स्पीड है 30 किलोमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब जितने देर आप ये मेरा वीडियो देख रहे हो, ये अर्थ 6,120 किलोमीटर डिस्टेंस क्रॉस कर चुकी है। अमेजिंग बात तो ये है कि धरती अकेले ही नहीं, ये आपको अपने साथ ही रिवॉल्व कर रही है। इसका मतलब आप भी 30 किलोमीटर पर सेकेंड से रिवॉल्व कर रहे हो, लेकिन आप इसे फील नहीं कर पा रहे हो, है ना? ये बहुत कूल बात। दैट्स वॉट अमेजिंग।